Welcome to Mishka 3G. Good evening, everybody. On behalf of the Timeless Melodies Group, I would like to welcome all of you. हम बहुत शुक्रगुजार हैं iAsia News Channel के लिए जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम आपके सामने आ सकें और एक म्यूजिकल शो प्रेजेंट कर सकें. आज का शो जो है उसकी थीम थोड़ी सी अलग है. हमने सोचा कि ऐसे कई सारे एक्टर्स थे जो बहुत फॉर्चुनेट थे, खुशकिस्मत थे कि उनको प्लेबैक एक नहीं बल्कि दो दिग्गज सिंगर्स ने दिया, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार. तो हमने सोचा कि एक ऐसा सेशन करें जिसमें ऐसे गाने हम आपके सामने प्रेजेंट करें जो एक ही हीरो के लिए या तो रफ़ी साहब ने गाए या किशोर कुमार ने गाए. आई एम देवेंद्र प्रभु देसाई, विथ मी इज सतीश सामंत एंड मीनाक्षी वाड़ेकर. तो आज हम कोशिश करने वाले हैं टू टेक यू डाउन मेमोरी लेन एंड प्रेजेंट सम सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड ऑन सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, जिनके लिए प्लेबैक किशोर कुमार ने भी दिया और मोहम्मद रफ़ी ने भी दिया. तो हम शुरुआत करेंगे आज के इस शो की. एंड बिफोर वी स्टार्ट, थैंक यू वेरी मच विद्यासागर सर एंड किशोर भाटिया सर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. वी विल बिगिन विथ द एवरग्रीन हीरो देवानंद, जो जिनकी बड़ी लंबी इनिंग्स थी, 40 के दशक में शुरू हुई और 90 के दशक तक चली. ही वॉज अ हीरो फॉर 50 years और उनके लिए दोनों दिग्गज सिंगर्स ने प्लेबैक दिया. तो शुरुआत हम करेंगे देव साहब से विथ एन मेमोरेबल सॉन्ग ओरिजिनली संग बाय मोहम्मद रफ़ी दैट एनकैप्सुलेट्स, दैट कैप्चर्स देवानंद अप्रोच एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. प्रेजेंटिंग इट विल बी सतीश. हेलो.
जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। उस मुकाम पे लाता चला गया, दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। Fantastic start, Satish. तो अब हम बढ़ेंगे from the song that epitomized Devanand to the film that first comes to mind. जब हम देव साहब के बारे में सोचते हैं तो कौन सी फिल्म पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है? A landmark film released in the mid 60s and it is remembered as a classic even today. उसके सारे गाने बहुत ही बेहतरीन थे, SD बर्मन जी ने कंपोज किए थे, एंड एक गाना उसमें था विच वॉज अ किशोर लता ड्यूएट which Meenakshi and I will be presenting. जो उसके पहले जो वहाँ अपने जो प्रेक्षक है, लाइव ऑडियंस है, उनको हम लोग थैंक्स बोलना चाहिए। तो बक्कू भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लक्ष्मी जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, रवि अरोरा जी, प्रताप जीवानी जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वेंकट राव जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, रवि वर्मा जी थैंक यू सो मच, राजेश दुग्गल सर थैंक यू सो मच। चलो हम लोग, और यहाँ पे भी एक लाइव ऑडियंस है यहाँ हमारे सामने, अंबिगावकर मिसेस शैलेन अंबिगावकर आई एंड विंदा। सो वी मूव ऑन फ्रॉम हम दोनों टू गाइड। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते।
देंगे कहीं बीते ना, ओ कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे राही मेरी बात हमें चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देना, गर्दिश में संभलना, कहीं बीती ना, कहीं बीती ना ये रातें, कहीं बीती ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे देव साहब। अब देव साहब के बाद एक ऐसे एक्टर की तरफ बढ़ते हैं जो जिन्होंने मिड 60s में ही एक फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और वो आखिरी राउंड तक चले गए, बट ही फिनिश्ड एज द रनर अप। वो कॉन्टेस्ट जीत नहीं पाए, बट ही फिनिश्ड एज द रनर अप। कॉन्टेस्ट जीती एक एक्टर ने जिसका उस वक्त जो अपना असली नाम यूज करते थे जतिन खन्ना, बाद में वो एक्टर जाके हम सब वी नो हिम एज राजेश खन्ना, लेकिन जो रनर अप एक्टर थे he started off as a child artist, then graduated to leading roles, and he also had a long and successful innings in the Hindi film industry. Unka naam tha Vinod Mehra. To agle actor jo hum feature karne wale hai jinko, wo hai Vinod Mehra. Aur jo pehla gana unka hai aaj, wo ek Kishore Kumar ka solo hai from the film Ghar, which I will be presenting. Before that, we would like to welcome Javed Badayuni ji. A very warm welcome. B. Harihar Rao, welcome, sir. Karuna ji, a very warm welcome. Vijay Sakar Dande, thank you so much for joining. Kishore Bhatia ji. Kedar DK, thank you for joining. Ambika, thanks for joining. Lata ji, hello. Mehul, a very warm welcome. Chali, aage badhte hain. Vinuta Jayan ji, thank you. फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है।
मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले हो हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले हो ये रात है ख्वाब की ख्वाब की रात है फिर वही रात है फिर वही रात है फिर वही रात है ख्वाब की के ख्वाब हैं आंखों में चुभ जाएंगे हो पलकों में लेना इन्हें आंखों में रुक जाएंगे हो ये रात है ख्वाब की रात है फिर वही रात है फिर वही रात है फिर वही रात है ख्वाब की हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें फिर वही रात है रात है क्या बात है क्या बात है वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग देव जावेद साहब है उन्होंने कहा कि प्लेबैक वॉइस है आपका बहुत बढ़िया दैट्स वेरी काइंड टी आर पटेल साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेमंत मल्होत्रा जी अंबिका कदम थैंक यू सो मच चंद्रकांत नाइक थैंक यू किशोर भाटिया जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग तो अगला गाना जो है अगेन इट्स नाउ इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ ड्यूएट पिक्चराइज्ड ऑन विनोद मेहरा ड्यूएट ओरिजिनली संग बाय मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर फिल्म का नाम है अनुराग जिसमें मौसमी चैटर्जी थी विनोद मेहरा के साथ और राजेश खन्ना का एक कैमियो अपीयरेंस था इस फिल्म में तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा अच्छा वो क्या है एक मंदिर है उस मंदिर में एक मूरत है ये मूरत कैसी होती है तेरी सूरत जैसी होती है वो क्या एक मंदिर है मैं क्या जानू छाँव है क्या और धूप है क्या मैं क्या जानू छाँव है क्या और धूप है क्या रंग बिरंगी इस दुनिया का पर्वत है उस पर्वत पे एक बादल है ये बादल कैसा होता है तेरे आंचल जैसा होता है वो क्या है एक प
पर्वत है। मस्त हमारे घूंघट खोला कलियों का, मस्त हमारे घूंघट खोला कलियों का, झूम के मौसम आया है रंग रलियों का। तू क्या है? एक बगिया है, उस बगिया कई भवरे हैं। भवरे क्या जोगी होते हैं? नहीं दिल के जोगी होते हैं। वो क्या है? एक बगिया है। वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नैया है। अरे तूने कैसे नाम लिया? मन से आंखों का काम लिया। वो क्या है? सच हटके सा गाना है, वेरी 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 स्वीट। तो विनोद मेहरा जी के बाद एक ऐसे शख्स की तरफ चलते हैं, वी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हिम इन 1985 व्हेन ही वाज ओनली 47 इयर्स ओल्ड। लेकिन आज तक अभी 36 साल 37 साल हो गए उनके जाने के बाद, बट ही इवन टुडे ही इज कंसिडर्ड एज द फाइनल वर्ड व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। What a powerful powerhouse performer, कुछ भी कर सकते थे वो स्क्रीन पे। संजीव कुमार, और अगला गाना जो है वो सतीश पेश करने वाले हैं, from a film that was one of संजीव कुमार's biggest initial hits, और मेरे ख्याल से मुमताज जी को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्म का नाम खिलौना, one of संजीव कुमार's first big hits. Before that, I would like to welcome Narendra Ratno ji, Vijay Kumar Dhingra ji, Shubhra di, thank you so much for joining. Smita Khandelwal ji, thank you. Suman Suman ji, thank you. Ashwin uncle, a very warm welcome. Thank you so much for joining. खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खुदा का वास्ता दे कर मना लो दूर हो, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं। मजबूर हूँ लेकिन के मैं चल भी नहीं सकता हूँ। तुम दौड़ जाते हो,
कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। तुमसे नहीं कोई मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़े मुश्किल से छोड़ा है। उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। ओ खिलौना मेरे दिल से लो बदला जमाने भर की बातों का। ठहर जाओ सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का। चले जाना भी से किस लिए मोड़ जाते हो। जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। फैंटास्टिक, क्या बात है, ग्रेट सिंगिंग। लवली लवली सतीश, इस गाने के लिए ईश्वर वो नट फटा हुआ कुर्ता एकदम एकदम परफेक्ट मूड एंड इट वाज रियली वेरी सोलफुल। तो अब थोड़ा मूड बदलते हैं। 1972 में एक फिल्म आई थी सीता और गीता, रॉलिकिंग रोमांटिक कॉमेडी, एंड इट हैड द ग्रेट हेमा मालिनी ने डबल रोल, और जो दो मेल लीड्स थे वो थे संजीव कुमार और धर्म जी। सो मीनाक्षी एंड आई विल प्रेजेंट किशोर आशा ड्यूएट व्हिच वाज पिक्चराइज्ड ऑन संजीव कुमार एंड हेमा मालिनी। विजय अरोरा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रवि जी, रवि अरोरा जी, थैंक यू सो मच। अरे 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 हवा के साथ साथ घटा के संग संग, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ओ साथी चल तू मुझे के साथ चल, तू यूं ही दिन रात चल, तू संभल मेरे साथ चल, तू ले हाथों में हाथ चल, तू ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल, तू यूं ही दिन रात चल, तू संभल मेरे साथ चल, तू ले हाथों में हाथ चल, तू ओ साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, उस पे अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आंखें ना टकरा जाना, तू बनके बादल ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल, तू यूं ही दिन रात चल, तू संभल मेरे साथ चल, तू
ले हाथों में हाथ चल तू ओ साथी चल। अपनी आंखों में बसने दे तू बन के काजल ओ साथी चल। मुझे लेके साथ चल तू यूं ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू ले हाथों में हाथ चल तू ओ साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे ला 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 ला। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे मुझको अपनी बाहों में आने दे। थक गई आज बहुत मैं अब जाने देना मिलेंगे फिर कल ओ साथी चल। La 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 बहुत बढ़िया देव। थैंक यू मीनाक्षी। आपने तो बहुत लाला लाला बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू सो मच लता मौशी फॉर ज्वाइनिंग। रोहिणी थैंक यू। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। धीरज मकसरी जी शलाका। हाय शलाका। हाय रोहिणी। चलो सो फ्रॉम संजीव कुमार हम बढ़ते हैं 70s के दूसरे विनोद की तरफ। विनोद खन्ना जिन्होंने अपना डेब्यू किया था एज अ विलन लेकिन इतना पावरफुल उनका डेब्यू हुआ दैट ही वेंट ऑन टू गेट लीडिंग रोल्स। और 70s के दशक के दूसरे हाफ में उनकी और अमिताभ की बहुत कट टू कट टक्कर थी बट देन ही डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक बाय गोइंग ऑफ टू द US। कुछ साल बाद वापस आए लेकिन क्या क्या फिल्में की उन्होंने एंड वॉट मेमोरीज ही हैज लेफ्ट अस विथ। तो अगला गाना जो है इट इज अ विनोद खन्ना सॉन्ग एक ऐसी फिल्म से जिसने काफी लोगों की करियर बनाई। खुद विनोद खन्ना शत्रुघ्न सिन्हा असरानी डैनी एंड द डायरेक्टर एंड राइटर गुलजार जिनकी ये पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर मेरे अपने। से पहले आई वुड लाइक टू वेलकम तपस दास जी वेणी माधव जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बी हरिहर राव जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग स्वाति चौधरी हाय डियर। म्यूजिक बाय सलील चौधरी लिरिक्स बाय गुलजार। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों पास नहीं तो दूर ही हो।
जाके हम रात भर कोई तो गम अपना है रात भर कोई दिलासा होता कोई तो अपना होता कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों पास नहीं तो दूर ही होता लेकिन कोई मेरा अपना कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों पास नहीं तो दूर ही होता लेकिन कोई मेरा अपना। थैंक यू थैंक यू। क्या बात है देव, बहुत अच्छे कमेंट्स है आपके लिए। ब्रिलियंट सिंगिंग। सी दिस एज पर मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग्स बिकॉज़ इट हैज गॉट द लोवेस्ट ऑफ लो नोट्स एंड द हाईएस्ट ऑफ हाई नोट्स एंड रीचिंग बोथ सो ब्यूटीफुली देव ग्रेट। थैंक यू लीना। थैंक यू लीना पटारे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। स्वाति चौधरी जो एक खुद एक अच्छी सिंगर है वो भी वहाँ मौजूद है। थैंक यू स्वाति फॉर जॉइनिंग। आई वुड बिफोर गोइंग अहेड आपको एक बात बता दूं, ये जो पीछे जो ऑल द स्लाइड्स दैट यू आर सीइंग ऑल दैट हार्ड वर्क हैज बीन डन बाय स्मिता सामंत सतीश इज बेटर हाफ सो थैंक यू स्मिता फॉर द लवली स्लाइड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं तो मेरे अपने से चलते हैं हाथ की सफाई की तरफ। इस गाने के जो गाना अभी सतीश और मीनाक्षी पेश करने वाले हैं उनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है उस गाने की। विनोद खन्ना जब उन्होंने पहली बार गाना सुना ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही स्लो अच्छा गाना नहीं है, आप रिप्लेस कर दीजिए। लेकिन प्रकाश मेहरा जो डायरेक्टर थे, कल्याण जी आनंद जी जो कंपोजर्स थे, उन्होंने उनको कन्विंस किया कि ये गाना रखते हैं एंड इट टर्नड आउट टू बिकम अ वेरी बिग हिट। सो ओवर टू सतीश एंड मीनाक्षी फ्रॉम द फिल्म हाथ की सफाई। Music by Kalyan Ji Anand Ji, lyrics by Gulshan Bawra and picturized on Vinod Khanna and Simi Garewal. Vaada kar li कर ली साजना तेरे बिन मैं न रहूं मेरे बिन तू न रहे होके जुदा ये वादा रहा न होंगे जुदा ये वादा रहा वादा कर ली साजना तेरे बिन मैं न रहूं मेरे बिन तू न रहे होके जुदा ये वादा रहा न होंगे जुदा ये वादा रहा मैं धड़कन तू दिल है पिया
साथ निभाए जीवन भर साथ निभाए वादा कर ले जाने जा तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू न रहे हो के जुदा होंगे जुदा ये वादा रहा जब से मुझे तेरा प्यार मिला अपनी तो है बस यही दुआ हर जन्म यो मिल के रहेंगे हर जन्म यो मिल के रहेंगे कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट दैट आउट सो विनोद खन्ना से बढ़ते हैं और एक एक्शन हीरो की तरफ मैं तेरा खून पे जंग स्टार्टेड ऑफ एज अ रोमांटिक हीरो देन गॉट इनटू एक्शन बट व्हाट एन इनिंग्स धर्म जी हैज हैड और सतीश के फेवरेट एक्टर भी है तो धर्म सतीश विल प्रेजेंट A Rafi solo picturized on the great man, the he man from the film Loafer, jisme Mumtaz ji bhi thi. And then that will be followed by a Kishore duet with Meenakshi and me. So over to Satish to pay a tribute to his two favorites, Mohammad Rafi and Dharmendra. A very warm welcome, Rani Maharani ji, Vini Madhav ji, thank you so much. Thanks, Rajesh Bhai. Thank you so much. Thank you, everybody, for all your lovely comments. Tapas Das ji, thank you. Ravi Arora ji, thank you. Vijay Sakharandi ji, thank you so much. Natasha ji, thank you. आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा
है आज मौसम आने वाला कोई तूफान है कोई तूफान है आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम काली काली घटा ढल रही है काली काली घटा ढल रही है ठंडियाँ है हवा भर रही है सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं हर कली हम पे शक कर रही है फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम मेरे यार ऐ हुस्न वाले ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले दिल किया मैंने तेरे हवाले तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी जीने दे चाहे तू मार डाले तेरे हाथों में अब मेरी जान है आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम आने वाला कोई तूफान है कोई तूफान है आज मौसम आज मौसम आज मौसम फैंटास्टिक सतीश क्या बात है तो लोफर से चलते हैं दो चोरों की तरफ रादर दो चोर की तरफ तो अगला गाना जो है इट्स अ ड्यूएट पिक्चराइज्ड ऑन धर्म जी एंड तनुजा फ्रॉम द फिल्म दो चोर फैंटास्टिक सॉन्ग्स इन दिस फिल्म कंपोज्ड बाय आर डी बर्मन एंड मीनाक्षी एंड आई विल बी प्रेजेंटिंग दिस सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म दो चोर एंड धर्मेंद्र लुक्स एब्सोल्युटली हैंडसम इन दैट दिलीप चार थैंक यू सो फॉर जॉइनिंग सोनाली सालवी थैंक यू सो मच चाहे रहो दूर चाहे रहो पास सुन लो मगर एक बार एक डोर से बंद होगी सनम किसी दिन हमारे साथ चाहे रहो दूर चाहे रहो पास सुन लो मगर एक बार तुम इस गली तो मैं उस
चाहे रहो दूर चाहे रहो पास। ओ मेरी चंचल पवन बसंती, करो नहीं यूं बेकरार, इन बाहों में आना है तुमको आखिर जाने बहार। दिल थामे आओगी फिर मैं पूछूंगा तुमसे बार। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। एक डोर से बंधोगी सनम किसी दिन हमारे साथ। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास। थैंक यू। तो आफ्टर धर्म पापा जी हम चलते हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फर्स्ट फैमिली की तरफ, हाउ कुड दे बी लेफ्ट बिहाइंड। तो अगले जो एक्टर है जिनको हम फीचर करने वाले हैं वो है पृथ्वीराज कपूर के तीसरे बेटे और राज कपूर के छोटे भाई शशि कपूर। स्टार्टेड इन थिएटर एंड देन वेंट ऑन टू डू सम ग्रेट फिल्म्स, पहले तो रोमांटिक फिल्में की, बाद में अमिताभ बच्चन के साथ काफ़ी थ्रिलर्स भी किए। तो नेक्स्ट गाना जो है दिस इज़ फ्रॉम द रोमांटिक फेज ऑफ शशि कपूर्स करियर, इनफैक्ट उनके करियर की सबसे पहली हिट फिल्म जब जब फूल खिले, विच वॉज शॉट इन कश्मीर। तो सतीश पेश करेंगे एक रफ़ी साहब का गाना फ्रॉम द फिल्म जब जब फूल खिले, पिक्चराइज्ड ऑन शशि कपूर, म्यूजिक बाय कल्याण जी आनंद जी एंड लिरिक्स बाय आनंद बख्शी। ओके, वी हैव गॉट अ रिक्वेस्ट बाय जावेद बदायूनी जी एंड लक्ष्मी तुमाला जी। सतीश आपके लिए, आपके फैन फॉलोइंग काफ़ी है, फॉर क्या हुआ तेरा वादा विच वॉज पिक्चराइज्ड ऑन तारे, and we will take it in between definitely hum log lenge, so let's continue with Pardesiyon Se Na Akhiyan Milane. Achha, ye gana jo hai usme wo do version hai, ek sad version hai aur ek happy version, to hum log happy version kahenge aaj. Aaj kisi ko sad nahi karenge hum. परदेसियों से न अखियां मिलाना, सच ही कहाँ है पंछी इनको, सच ही कहाँ है पंछी इनको, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो।
जाए मिलेंगे गुजरेगा कैसे पते झड़का जमाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना परदेसियों को है एक दिन जाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना Fantastic. जब फूल खिले which was the inspiration, I'm being politically correct, inspiration for Raja Hindustani. तो from Rafi साहब, let's go to Kishore Da. Film का नाम Sharmili, which was released in the early 70s. Rakhi जी का double role था इस film में. And S.D. Burman was the composer and he came up with some great numbers. Kishore Da के 3 solos थे. लेकिन मीनाक्षी और मैं एक डुएट गाने वाले हैं फ्रॉम द फिल्म शर्मिली पिक्चराइज्ड ऑन शशि कपूर एंड राखी आप लोगों का मन क्या कह रहा है वो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा वो सब जन लिख रहे हैं वहाँ और बहुत बढ़िया कमेंट मिल रहे हैं आई मृदुला थैंक्स फॉर जॉइनिंग शेला दिलदार जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सोनाली सालवी थैंक्स डियर लता जी थैंक यू अश्विन अंकल थैंक यू
रानी महारानी जी थैंक यू सो मच, जावेद बदायूनी जी थैंक यू सो मच, वेनी माधव जी थैंक यू, हाय अदिति थैंक्स फॉर जॉइनिंग, थैंक्स लक्ष्मी, थैंक्स नरेंद्र जी, सो फ्रॉम शशि कपूर लेट्स गो ऑन टू जंपिंग जैक जितेंद्र. इन्होंने मिड 60s में अपना डेब्यू किया, उसके बाद ही बिकेम द इंडियन वर्जन ऑफ जेम्स बॉन्ड, फर्ज जैसी फिल्में की, फिर राजेश खन्ना नाम का एक तूफान आया और फिर जीतू जी ने अपना इमेज चेंज करने की कोशिश की एंड ही प्रोड्यूस्ड अ फिल्म कॉल्ड परिचय विच इज स्टिल कंसिडर्ड अ क्लासिक, और परिचय का एक गाना है विच इज ऑल्सो अ क्लासिक इन इट सेल्फ, संग बाय किशोर कुमार, म्यूजिक बाय आर डी बर्मन एंड लिरिक्स बाय द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म गुलजार. तो ये गाना मैं पेश करने जा रहा हूँ, मुसाफिर हूँ यारो, वन ऑफ माय फेवरेट्स. मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना. शाम से मेरा
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू। No words. Thank you very much. Thank बहुत बढ़िया। You know what? I feel so blessed today to be sitting and you know sitting in between two wonderful voices, like you know full justice to Kishorda and Rafi साहब, ये दोनों कर रहे हैं and I'm really enjoying being the support system today. तो अब from jumping jack in a serious philosophical mode into the dance mode. फिल्म का नाम है कारवां और अगेन इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिकल हिट्स ऑफ द 70s और ये गाना पिक्चराइज हुआ था जितेंद्र और आशा पारेख पे, ओरिजिनली संग बाय रफी साहब एंड लता मंगेशकर जी। म्यूजिक आरडी बर्मन, लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी, नेम ऑफ द फिल्म कारवां। ओ साथिया ओ बेलिया। ओ सोनिए मासुडिया, कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, किस मस्ती में सूझे ना, क्या कर डालू हार मोहे समान। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, किस मस्ती में सूझे ना, क्या कर डालू हार मोहे समान। कोरा 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 ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे ना, क्या कर डालू हार मोहे समा। सो मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। ओ सैया प्यारे चलता जा,
साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालू हाल मोहे संभाल। ग्रेट सिंगिंग बाय सतीश एंड मीनाक्षी, थैंक यू सो मच। तो जितेंद्र के बाद में बढ़ते हैं टू वन ऑफ हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। ये अनफॉर्चुनेटली एक्टर हमारे बीच आज नहीं रहे, दो साल पहले वी लॉस्ट हिम, द ग्रेट ऋषि कपूर। व्हाट एन इनिंग्स ही आल्सो हैड, एक्शन फिल्मों के दौर में ही केप्ट द फ्लैग ऑफ रोमांस फ्लाइंग हाई, एंड व्हाट सॉन्ग्स वर पिक्चराइज्ड ऑन हिम, ब्रिलियंट। तो ऋषि कपूर साहब पे जो पहला गाना, दो गानों में से जो पहला गाना है, दैट इज़ रफ़ी सोलो फ्रॉम द फिल्म कर्ज। इस गाने की कहानी ये है कि जब ऋषि कपूर सेट पे आए तो सुभाष घई ने कहा कि इस गाने में कोरियोग्राफर नहीं है, मैं खुद कोरियोग्राफ करने वाला हूँ इस गाने को, डायरेक्टर ने कहा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल रीशूट द होल सॉन्ग। बट सुभाष घई डिड सच अ फैबुलस जॉब एज कोरियोग्राफर के ऋषि कपूर ने कहा कि नहीं, हम इसी वर्जन को रखते हैं। सो व्हाट यू सी इन स्क्रीन ऑन स्क्रीन इज ऋषि कपूर एक्टिंग एज पर द डायरेक्शंस ऑफ सुभाष घई, नॉट जस्ट द डायरेक्टर बट आल्सो द कोरियोग्राफर। ओवर टू सतीश फ्रॉम द फिल्म कर्ज। जैन कामत जी, वेलकम। दिल में जगाया आपने दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। मदहोश नजरें कर रही है शायरी, आपके मदहोश नजरें
कर रही है शायरी, ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे, रास्ते खो जाएंगे, नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था आशिक बनाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। थैंक यू सो मच, ग्रेट सतीश। तो ऋषि जी की जो सबसे मेमोरेबल ऑन स्क्रीन पार्टनरशिप थी वो उनकी ऑफ स्क्रीन पार्टनरशिप भी बन गई विद नीतू सिंह। तो अगला गाना जो है दैट इज अ ड्यूएट, किशोर लता ड्यूएट पिक्चराइज्ड ऑन द रियल लाइफ कपल ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह, विच विल बी संग बाय मीनाक्षी एंड मी। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी, इट वॉज अ यशराज फिल्म जिसमें राखी भी थी, शशि कपूर भी थे, परीक्षित सहनी भी थे। म्यूजिक बाय राजेश रोशन एंड लिरिक्स बाय मजरू सुल्तानपुरी। आँखों में काजल है, काजल में मेरा दिल है, आँखों में काजल है, काजल में हो मेरा दिल है, आँखों में काजल है, काजल में दिल है, चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए, ओ चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। बालों में खुशबू है, खुशबू में तू ही तू है, बालों में खुशबू है, खुशबू में तू है, चलो फूलों के तले कहीं बाहों का हार दिया जाए, चलो फूलों के तले कहीं बाहों का हार दिया जाए। तुम तो हो मेरी बहार, मेरी नजर में खिलो, कलियों से मिलके सनम फिर आके हमसे मिलो, ऐसी तेरी नैना लड़ी जैसी कोई नशा चढ़ी, हाय बिंदिया हंसे चली जाए,
बचपन में साजन है, तेरी बिंदिया दर्पण है, दर्पण में सजन चलो बिंदिया से लेके तुम्हें दिल में उतार लिया जा। ओ चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। कैसा है अपना मिलन, कैसी मुलाकात है, जैसी अदा में मेरी कोई नई बात है। बनी रहे अदा तेरी सदा रहे वफा मेरी, ऐसे ही ये जीवन बीत जाए। चाहत है, चाहत क्या जीवन है, जीवन क्या चाहत है, चाहत क्या जीवन। चलो सारे जीवन का यही मिलके इकरार किया जाए। ओ चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। काजल है, काजल में हो मेरा दिल है, आँखों में काजल है, काजल में दिल है। चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। ओ चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। ओ चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। चलो दिल में बिठा के तुम्हें तुमसे ही प्यार किया जाए। थैंक यू, थैंक यू। ये लास्ट में बहुत ज्यादा नहीं रिपीट हो गया। हाँ, आई थिंक प्याज चार बार ज्यादा, आई थिंक इट इज ओनली ट्वाइस। तो दिस वाज ऋषि कपूर। और अब चलते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले ऑफिशियल सुपरस्टार की तरफ, ऊपर आका नीचे काका। फ्रॉम 1969 टू 1972-73 इस फिल्म इंडस्ट्री में एक ही एक्टर थे जो डिमांड में थे और वो थे राजेश खन्ना। धर्मेंद्र वॉज इन द रनिंग बट इट वॉज राजेश खन्ना ऑल द वे। और अगला गाना है, इट इज व्हेन राजेश खन्ना वॉज एट हिज पीक। किशोर कुमार, आर डी बर्मन, आनंद बख्शी, राजेश खन्ना का जो कॉम्बिनेशन था एट इट्स एब्सोल्यूट ग्लोरी। तो वी विल गो इन टू राजेश खन्ना टेरिटरी ऑब्वियसली विथ अ किशोर कुमार सोलो विच आई विल ट्राई टू प्रेजेंट। कटी पतंग। वेलकम उर्मिला। उर्मिला जी थैंक्स बक्कू भाई। यस, प्याज ज्यादा हो गया। थैंक्स प्रवीण जी।
मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। थैंक यू, थैंक यू। अनिल चौहान कराओके, कराओके जगत में आपका पसंदीदा चैनल संगीत सीखने। थैंक यू मिस्टर अनिल चौहान, वी आर इटरनली ग्रेटफुल टू यू फॉर क्रिएटिंग ऑल दीस कैरियोके ट्रैक्स। इंडीड, दैट वाज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। थैंक यू, तो कटी पतंग से चलते हैं एक उस जमाने की एक सोशल फिल्म महबूब की मेहंदी की तरफ। राजेश खन्ना, लीना चंदावरकर थे उस फिल्म में। फ्रॉम आर डी बर्मन वील गो ऑन टू एल पी, लिरिक्स बाय आनंद बख्शी, और बहुत ही एक वन ऑफ दोज फ्यू सॉन्ग्स दैट रफी साहब सैंग फॉर राजेश खन्ना ड्यूरिंग दैट फेज, बट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। सो ओवर टू सतीश एंड मीनाक्षी, महबूब की मेहंदी। हाय अमित, वेलकम। हाय लीना, शिव कुमार जी, हेलो। इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, ओ बाद में जाने क्या हुआ, हाय बाद में जाने क्या हुआ, न जाने क्या बात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, न जाने क्या बात हुई। करके कसमें उठा के किसी पे दिल लुटा के चलाया, नजरें मिला के नींद अपनी गवा के कसक दिल में बसा के चलाया, दिन तो गुजर जाएगा, ओ तो गुजर जाएगा।
अपना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे के उनसे मुलाकात हुई, इतना तो याद है मुझे के उनसे मुलाकात हुई, इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे। Fantastic. Thank you. इतना याद अगर हम लोग स्कूल कॉलेज में करते तो मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आता। तो वो फाड़ के आते हैं। सो फ्रॉम राजेश खन्ना हम एक ऐसे एक्टर की तरफ जाएंगे जिन जो अर्ली 70s में काफ़ी पॉपुलर थे, उन्होंने काफ़ी हिट फिल्में भी दी। उनका नाम है नवीन निश्चल। अगेन अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर विद अस, बट ही गेव अस सम मेमोरेबल फिल्म्स लाइक विक्टोरिया नंबर 203, बुढ़ा मिल गया, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर कोसला का घोसला, हिज परफॉर्मेंस इन दैट फिल्म विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। टीवी पे भी उन्होंने काफी काम किया, देख भाई देख जैसे सीरियल्स में। सो द नेक्स्ट सॉन्ग इज रफी सोलो फ्रॉम वन ऑफ नवीन निश्चल्स हिट्स विच सतीश विल सिंग। फिल्म का नाम हस्ते जख्म, म्यूजिक मदन मोहन, लिरिक्स कैफी आजमी। Before that, I would like to thank Pravat Pandya ji, Praful bhai, thank you so much, Suresh Jadhav ji, Kalvinder Singh ji, thank you so much, M.K. Mehta ji, thank you so much for being there, Maher Ismail ji, thank you so much, Anil Moge ji, Zahid Ali ji, thank you so much, Vinuta Jain ji, thank you. One of my favorite songs. आसमां
एक सुरीला नगमा हूँ, तुम क्या जानो तुम क्या हो। एक सुरीला नगमा हूँ, भीगी आँखों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या अब जो आगे हो। जान न दूंगा के मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया, कि जहां मिल गया। Enthusiastic and excited Shailen Ambegaonkar with us, and we have Shilpa Ambegaonkar, Smita Samant, and Satish's mom as a live audience over here. And thank you everybody for Satish, that was an excellent performance.
आगे बढ़ते हैं विद नवीन निश्चल. He also had a lot of songs picturized on him, which were sung by Kishore Kumar. So Meenakshi and I will be singing a song from the film Buddha Mil Gaya, which was picturized on him and Archana. भली सी एक सूरत भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह या शाम. भली भली सी एक सूरत भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह या शाम. तुम हो वो दिल रुबा. भली भली सी सूरत भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम. अच्छा, अरे हाँ, उस चोर की शक्ल है गोरी. तो क्या हुआ, हो गया मिलना बहुत जरूरी. चल पगली, फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी. जो मेरे करीब आया, ओहो, मेरी तन पे पड़ा जो साया. फिर क्या हुआ, सोती हो जागती हो लेके उसका नाम. कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा. भली सी एक सूरत भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह या शाम. मुश्किल है मेरा भी जीना, सोचू तो आता है पसीना. कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल चलता है सीना. धक 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 पास वो आई बड़ी अदा से, बोली हूँ हो खफा खफा से. हम भी थे एक नजर के प्यासे, दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम. कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा. हेलो ना 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 ना, ओ हो, तुम हो वो दिलरुबा. भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह या शाम. Come on.
तो अभी हम एक फरमाइश लेने जा रहे हैं, आई थिंक जावेद जी एंड हु एल्स, लक्ष्मी जी, या सतीश विल बी सिंगिंग द सॉन्ग दैट जावेद जी एंड लक्ष्मी जी हैव रिक्वेस्टेड फॉर. डू वी हैव द ट्रैक तेरा वादा. तो क्या हुआ तेरा वादा, ये जो गाना है दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड. वंस अगेन वी आर वेरी थैंकफुल टू आई एशिया न्यूज फॉर इनवाइटिंग अस एंड गिविंग द टाइमलेस मेलोडीज ग्रुप एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म ऑन देयर पेज. आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम. वी आर सर्टनली हैविंग अ गुड टाइम प्रेजेंटिंग ऑल दीज सॉन्ग्स एंड वी होप टू बी बैक वेरी सून. ऑफकोर्स आज का सेशन खत्म नहीं हुआ है और दो एक्टर्स और दो बड़े बड़े एक्टर्स सुपरस्टार्स बाकी हैं, लेकिन उसके पहले हम एक जैसे मैंने कहा हम एक फरमाइश लेने जा रहे हैं. सतीश विल बी सिंगिंग द सॉन्ग दैट वाज रिक्वेस्टेड बाय जावेद जी एंड लक्ष्मी जी फ्रॉम द फिल्म हम किसी से कम नहीं, जिस गाने के लिए रफ़ी साहब को न सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड मिला बल्कि नेशनल अवार्ड भी मिला इस गाने के लिए. क्या गाने थे इस फिल्म में, बट द सॉन्ग दैट वॉज मोस्ट पॉपुलर वॉज क्या हुआ तेरा वादा. पिक्चराइज्ड ऑन तारीख, इस गाने में काजल किरण और ऋषि कपूर भी नज़र आते हैं एंड एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सॉन्ग. और आर डी बर्मन की एक स्पेशलिटी थी कि वो सैड गाने भी यू नो टेम्पो के साथ बनाते थे, एक रिदम बनाते थे. ही यूज टू मेक सैड सॉन्ग्स फुट टैपिंग नंबर्स, तो उसमें एक दिस सॉन्ग इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट. So over to you, Satish. Kya hua? तेरा वादा वो कसम वो इरादा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा. क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला टूटेंगे कभी. तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं. क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा. क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा.
तो फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। ओ जिसने हम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। That was really soulful, very soulful. Great singing, Satish. And lovely farmaish, Lakshmi ji and Javed Bhaji. Thank you so much. So now we will move on from Naveen Nischal. We move on to the one man industry, Amitabh Bachchan. Aur hum kisi se kam nahi ki ek saal baad ek film aayi thi, Dawn, jiske liye Amitabh ko Filmfare Award bhi mila tha. And it had some great songs. Three solos by Kishore Kumar. Usme se ek I'll be trying to sing. म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी, लिरिक्स अनजान। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है समझा है जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। पागल को दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूं डॉन। ये जान लुटा दे जो मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। दुश्मन का दुश्मन हूँ वो, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है, मैं फिल्म में कैसा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा
क्या रंग बातों ही बातों में तुम जानो ना, तुम जानो ना। चेहरे पे चेहरा है, पर्दे पे पर्दा है, दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ डॉन। क्या बात है मिस्टर डॉन, थैंक यू। आज से हम विल कॉल देव डॉन, डी फॉर देव, डी फॉर डॉन। सो फ्रॉम अ किशोर सोलो टू अ रफी डुएट, एक फिल्म आई थी 1973 में अभिमान, विच वॉज ऑफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्रेटरीज ऑफ अमिताभ एंड जया बच्चन, दे वर जस्ट मैरिड देन, अनऑफिशियली प्रोड्यूस्ड बाय द कपल देमसेल्व्स, ऋषिकेश मुखर्जी वॉज अ डायरेक्टर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी। इस फिल्म के लिए एस डी बर्मन को बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिला और जया बच्चन को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था उस साल। शी शेयर्ड इट विथ डिम्पल कपाड़िया, हु गॉट इट फॉर बॉबी, एंड देर इज अ ब्यूटिफुल रफी लता डुएट फ्रॉम द फिल्म अभिमान, विच सतीश एंड मीनाक्षी विल प्रेजेंट। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे। आए हाय तेरी बिंदिया रे, तेरे माथे लगे हैं यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा, तेरे माथे लगे हैं यूं सजन निंदिया, सजन निंदिया, ले लेगी, ले लेगी, ले लेगी तेरी बिंदिया। आए हाय तेरा झुमकारे, आए हाय तेरा झुमकारे, चैन लेने ना देगा सजन तुमका, रे आए हाय मेरा झुमकारे। कंगना रे, हाय हाय मेरा कंगना रे, बोले रे अब तो छूटे ना तेरा कंगना रे, हाय हाय तेरा कंगना रे। से
सजनिया जब से मेरी बन के ठुमक ठुमक चले है जब तुम मेरी नस नस खन के तू आई है सजनिया आए हाय तेरा कंगना रे सजन अब तो छूटी ना तेरा कंगना रे आए हाय तेरा कंगना रे थैंक यू ग्रेट ग्रेट सिंगिंग थैंक यू तो अब हम आते हैं आज के हमारे आखिरी सुपरस्टार की तरफ फॉर सम रीजन इस एक्टर को उतना ड्यू नहीं मिला है और जब हम सुपरस्टार्स या एक्टर्स की बात करते हैं तो उनका नाम अक्सर हम मेंशन नहीं करते बट द फैक्ट इज दैट इस एक्टर के नाम पर काफ़ी फिल्में बिकती थी इन द 50s एंड 60s और काफ़ी हीरोज उस दौर के बहुत इनसिक्योर होते थे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टर ही वॉज a filmmaker he was a singer he was a versatile guy and most importantly Amitabh Bachchan Rajesh Roshan and R.D. Barman ye jo teen shakhs hain they owe a lot to this person kyunki unhone in teenon ko apna pehla break diya tha Amitabh Bachchan ko unhone mentor kiya tha and he gave him his first break as a hero in Bombay to Goa I'm talking about the great Mehmood हम उन्हें कॉमेडियन समझते हैं बट देर वॉज अ लॉट मोर टू हिम दैन जस्ट कॉमेडी तो वी विल एंड दिस सेशन विद टू सॉन्ग्स पिक्चराइज्ड ऑन द ग्रेट मैन सबसे पहले सतीश और दोनों गाने एक ही फिल्म के हैं कुवारा बाप तो सतीश विल ओके आई एम सॉरी सो सतीश विल प्रेजेंट रफी सोलो फ्रॉम वन ऑफ द आइकॉनिक फिल्म ऑफ द मिड 60s based on an Agatha Christie thriller and there were none to us pe ek film banayi thi inspire hoke gumnam karke to us film mein mehmood sahab ka jo kirdar tha it is remembered to this day khayalon mein so satish will sing rafi solo picturized on the great man from the film gumnam हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम तेरे 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 चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम तेरे 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 चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं सोला साला चंदन है तेरे ख्याला चंदन
ये कोरे गाला चंदाना ये रेशमी बाला चंदाना ये सोला साला चंदाना हाय तेरे ख्याला चंदाना हम तेरे 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 चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम तेरे 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 चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं आका नारंगी की पका बाका जुचा रंगी चालू जैसी मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी माना अजीब है चंदाना सूरत से अजीब है चंदाना पर फिर भी नसीब है चंदाना ये तेरे खरीब है चंदाना हमें माना गरीब है चंदाना सूरत से अजीब है चंदाना पर फिर भी नसीब है चंदाना ये तेरे खरीब है चंदाना हम तेरे 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 चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम तेरे 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 चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं To modulate your voice for Mehmood Saab was very nice, perfect. Thank you so much. So, अब हम आज के session का अंत करेंगे with a song sung by Kishore Kumar and Lata Mangeshkar, picturized on Mehmood and his son from the film Kuwara Baap. बहुत ही tough गाना है, बहुत emotional गाना है. So it's a little tough to sing this song. So kindly bear with us if something goes wrong. So here goes. Rajesh Roshan का music. खटोले में दूर 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 यहाँ से दूर आरियां जा निंदिया तू ले चल कहीं उड़न खटोले से पर मुझ
तुझको जहां में मिला सुख कौन बड़ा तुझसे तेरे लिए मेरी जान जहर हजार मैं पी लूंगा तज दूंगा दुनिया एक तेरे संग जी लूंगा हो नजर के नूर आरिया जा निंदिया तू ले चल कहीं उड़न खटोले में से दूर हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है. हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो एंड थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड फीडबैक. वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ देम. सो फ्रॉम द टाइमलेस ऑन बिहाफ ऑफ द टाइमलेस मेलोडीज ग्रुप आई वंस अगेन थैंक आई एशिया न्यूज फॉर इन्वाइटिंग अस एंड वी होप टू बी बैक ऑन दिस पेज वेरी सून. सो थैंक यू विद्यासागर जी, किशोर जी, विनुता जी एंड द एंटायर टीम ऑफ आई एशिया न्यूज एंड इट वॉज अ प्लेजर टू बी ओवर हियर एंड सिंगिंग फॉर सच अ लवली ऑडियंस. थैंक यू एवरीबडी, हेमंत मल्होत्रा जी, अंबिका, शलाका, बकू भाई, प्रफुल भाई, रवि अरोरा जी, शिल्पा, थैंक यू एवरीबडी एंड फॉर गिविंग अस सच लवली कमेंट्स. लाइक हमारी एक नज़र यहाँ स्क्रीन पे थी, एक नज़र वो कमेंट्स की तरफ थी एंड दैट वॉज रियली गेटिंग अस गोइंग. सो
थैंक यू सो मच. और ऐसे हम लोग अगर आप हमको बुलाएंगे तो हम जरूर फिर से वापस आपके सामने आएंगे. यू वुड लव टू कम अगेन व्हेनेवर यू कॉल अस. थैंक यू. गुड नाइट. शब्बा खैर. गुड नाइट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बाय बाय. बाय.